अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस बसंत के त्योहार की हकीकत क्या है? क्या ये हिंदुओं के मजहब का हिस्सा है या दूसरी जानिब ये सिर्फ एक त्योहार ही है? याद रहे कि अकवामे आलम के मारूफ तरीन त्योहारों पर निगाह डाली जाए तो मालूम होगा कि वो एक मखसूस पस मंजर रखते हैं। यहूदियों का सबसे बड़ा त्योहार हनुका एक मजहबी त्योहार है। अदाद शुमार के मुताबिक ईसाइत को दुनिया का सबसे बड़ा मजहब समझा जाता है और ईसाई माशरे में ईस्टर और क्रिसमस इंतहाई जोशो खरोश से मनाए जाते हैं। इसी तरह हिंदू मत का शुमार कदीम तरीन मजाहिब में होता है। हिंदू मजहब में भी मुख्तलिफ त्योहार मनाए जाते हैं, मसलन दिवाली, होली, बैसाखी और बसंत वगैरह। इन तमाम त्योहारों में अदा की जाने वाली रसूमात को हिंदू मजहब में इबादत का दर्जा हासिल है। दिवाली, होली और दूसरे हिंदू मजहब के त्योहारों के बारे में तो सब ही जानते होंगे कि ये हिंदुओं के मजहबी त्योहार हैं, लेकिन बैसाखी और बसंत वगैरह के मुतल्लिक ये गलत फहमी पाई जाती है कि ये मौसमी और सकाफती त्योहार हैं। ऐसा सिर्फ वो ही लोग समझते हैं जो इन त्योहारों में हिस्सा तो लेते हैं, लेकिन उनका पस मंजर जानने की कोशिश उन्होंने कभी गवारा नहीं की। आज की वीडियो में इस त्योहार का पस मंजर तारीखी किताबों की रोशनी में किया जाएगा, लेकिन वीडियो की जानिब बढ़ने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी ऐसी ही आने वाली मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बासानी मिल सके। तारीख के एक मुहक्किक, मुअर्रिख और साइंसदान अलामा अबू रेहान अल बैरूनी तकरीबन 1000 साल कबल हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। इन्होंने कलरकहार जिला चकवाल के नजदीक हिंदुओं की मारूफ यूनिवर्सिटी में अरसा दराज तक क्याम किया। वहीं उन्होंने अपनी शोरह आफाक तसनीफ किताबुल हिंद तहरीर की। ये किताब आज भी हिंदुस्तान की तारीख के जमन में एक मुस्तनद हवाला समझी जाती है। इस किताब के बाब नंबर 76 में ईदे और खुशी के उन्वान के तहत हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले मुख्तलिफ मजहबी त्योहारों का जिक्र किया गया है। इस बाब में ईद और बसंत का जिक्र करते हुए अल बैरूनी लिखते हैं कि इसी महीने में इस्तवाई रबी होता है जिसका नाम बसंत है। हिसाब से उस वक्त का पता लगाकर उस दिन ईद करते हैं और ब्रह्मनों को खिलाते हैं, देवता की नजर चढ़ाते हैं। किताबुल हिंद का तर्जमा सैयद असगर अली ने किया है, और अगर आप इस तारीखी हवाले को पढ़ना चाहते हैं तो ये इस किताब के सफर नंबर 206 पर है। पहले इस बारे में बात करते हैं कि ये त्योहार कैसे शुरू हुआ और आखिर ये किसकी रस्म है। इधर मौसम बहार का आगाज होता है और हर तरफ वो काटा की सदाएं बुलंद हो जाती हैं। इसके साथ साथ महबूबों के दिन की तरफ भी मारूफ वैलेंटाइन डे भी बहार में ही मनाया जाता है। हर तरफ बदतमीजी आम होती है। रात के वक्त लाइटिंग और साउंड स्पीकर लगाकर शुरफा का जीना दोभर कर दिया जाता है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको बहुत ज्यादा कवरेज देता है। पहले पहल इस रस्म यानी बसंत का आगाज हिंदुस्तान के मशहूर सूबों उत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ, और फिर ये लाहौर में गुस्ताखे रसूल को जहन्नम वासिल करने के बाद इसकी याद में हिंदुओं ने इसको मनाया। एक हिंदू मुअर्रिख डॉक्टर बी एस नजार ने अपनी किताब के सफा नंबर 279 पर लिखा है कि हकीकत राय नामी हिंदू नौजवान सियालकोट का रहने वाला था। एक मर्तबा उसकी लड़ाई कुछ मुसलमान नौजवानों से हो गई। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ नाजेबा गुफ्तगू की और गालियां भी निकाली, और इसके साथ साथ हजरत फातिमा की शान में भी गुस्ताखी की, जिससे बरसगीर के तमाम मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो गए। उस वक्त का गवर्नर जकरिया खान मुसलमान था, चुनाचे उसने गुस्ताख हिंदू नौजवान को उसके जुर्म की पादाश में गिरफ्तार करवा दिया। अदालती कार्रवाई के लिए लाहौर लाया गया। उसके गिरफ्तार करने से पंजाब की सारी गैर मुस्लिम आबादी सोग मनाने लगी। उससे उनको शदीद धचका लगा, लिहाजा फिर कुछ हिंदू ऑफिसर मिलकर गवर्नर पंजाब के पास गए और उस नौजवान के लिए दरख्वास्त की कि उसको माफ कर दिया जाए, मगर गवर्नर पंजाब जकरिया खान ने मुसलमान होने का हक अदा किया और उस नौजवान को माफ ना करते हुए पहले कोड़े लगवाए गए और फिर तलवार से उसका सर कलम कर दिया गया, और फिर हिंदुओं ने
उसकी याद में बसंत का त्योहार मनाना शुरू कर दिया। उस नौजवान की कब्र लाहौर में है। पंजाब का बसंत मेला उसी हकीकत और उसी हकीकत राय की याद में मनाया जाता है। कुछ पूछने वाले अगर ये बात पूछें कि डॉक्टर बीएस नजार ने अपनी कौन सी किताब में लिखा, तो उस किताब का नाम पंजाब अंडर द लेटर मुगल में है, जिसके सफर नंबर 279 पर यह हकीकत दर्ज है। अफसोस कि हम एक गुस्ताखे रसूल की याद मनाते हैं। इसी तरह एक हिंदू मुंशी राम प्रसाद माथुर, जो कि गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर भी थे, अपनी किताब हिंदू त्योहार की दिलचस्प असलियत में लिखता है, अब फसल के बावर होने का इत्मीनान हो चला। कुछ अरसा में कलियां खिलकर तमाम खेत की सब्जी और जर्दी में तब्दील होने लगी, इसलिए काश्तकार के दिल में कुदरती अमंग और खुशी पैदा होती है और वो मार्च के आखिरी हफ्ते में बसंत के रोज जर्द फूलों को बीवियों बच्चों को दिखाकर खुश होता है और फिर सब मिलकर बसंत का त्योहार मनाते हैं। फिर जर्द फूलों को अपने कानों में बतौर जेवर लगाकर खुदा से दुआ करते हैं कि ऐ परमात्मा हमारी मेहनत का फल अता कर और दरख्तों में फल पैदा कर। और फिर लिखता है कि बसंत में विष्णु भगवान को पूजा जाता है। जिस किताब में ये तमाम बातें दर्ज हैं, उसे 1942 में शाया किया गया। बसंत को आजकल पाला उड़ान का नाम देकर मौसमी त्योहार बताया जाता है। पतंगबाजी का मस्जिद चीन को कहा जाता है और चीन में पतंगबाजी का आगाज कुछ मौरखीन के मुताबिक 3000 साल कबल हुआ। उस वक्त ये रिवाज था कि बांस लेकर उसके फ्रेम में सिल्क के कपड़े जोड़कर उसको उड़ाया जाता था। चीन के बाद पतंगबाजी एशिया में आई और इसके बाद अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी जा पहुंची। आजकल बसंत और पतंगबाजी को लाजमो मज़ूम तसव्वुर किया जाता है, हालांकि कदीम तारीख में बसंत के त्योहार के साथ पतंगबाजी का जिक्र नहीं मिलता। आज बसंत मनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पतंगबाजी ही है। ये तसव्वुर बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। बसंत के मौका पर लाहौर और उसके गिर्दो नवाह में भी पतंगबाजी का एहतमाम किया जाता है, जिस तरह हिंदुस्तान और पंजाब के दूसरे इलाकों में भी नहीं किया जाता। आज से 10-15 साल पहले पंजाब के कदीम तरीन शहर मुल्तान में बसंत के मौका पर पतंगबाजी का तसव्वुर तक नहीं था। यही सूरत हाल पंजाब के दूसरे बड़े शहरों की भी है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर लाहौर में बसंत के मौका पर पतंगबाजी का शुगल इस कदर जोशो खरोश से क्यों बर्पा किया जाता है। तारीख और मजहब के आईने में झांक कर इस सवाल का जवाब तलाश करना बहुत जरूरी है। अगर बसंत महज मौसमी त्योहार होता तो ये सिर्फ लाहौर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी उतना ही मकबूल होता। अंदरून सिंध में, जहां अब भी हिंदुओं की कसीर तादाद मौजूद है, वहां पतंगबाजी या बसंत की वो हंगामा आराई नजर नहीं आती जिसका मुजाहिरा लाहौर या इसके गिर्दो नवाह में किया जाता है। ऐसी सूरतेहाल बिला वजह नहीं है। रोजनामा नवाए वक्त में बसंत के बारे में एक रिपोर्ट शाया की गई, जिसमें लिखा गया कि बसंत एक खालिस हिंदू त्योहार है और इसका मौसम से कोई ताल्लुक नहीं, और यही वजह है कि भारत में बसंत की कहानी हर स्कूल में पढ़ाई जाती है। लेकिन लाइल्मी या भारतीय लाबी की कोशिशों से बसंत को पाकिस्तान में मुसलमानों ने मौसमी त्योहार बना लिया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। इसके मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।